कमर दर्द आज के दिन में बहुत ही आम समस्या हो गया है डेली लाइफ की एक्टिविटी और डेली रूटीन के हिसाब से। लेकिन कमर दर्द के कुछ 8 लक्षण बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि कब आपको बैक पेन में अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। पहला लक्षण, अगर कमर दर्द आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो तो जनरली क्या होता है कि कमर दर्द 1-2 दिन 3 दिन में डेली एक्टिविटी में ही अपने आप सबसाइड हो जाता है। अगर ये पेन 1 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो एक सीरियस इशू बन सकता है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। सेकंड, अगर ये कमर दर्द आपके कमर से होते हुए कूल्हों, पैरों या बॉडी के किसी भी और पार्ट में अगर ये दर्द जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं नसें दबने की समस्या हो सकती है। इसके लिए भी आपको जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि ये कमर दर्द की समस्याएं जो बॉडी के अदर पार्ट्स में जा रहा है ये कहीं आगे ना बढ़ जाए। तीसरी कंडीशन, अगर ये कमर दर्द से आपका वीकनेस हो रहा हो, पैरों में टिंगिंग सेंसेशन हो, नमनेस आ रहा हो जिसे सुनपन कहते हैं, इस टाइप की अगर समस्याएं उत्पन्न हो रही हो कमर दर्द को होने के साथ साथ, तो आप इन कंडीशन में भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये डिस्क बल्ज से या फिर किसी भी अदर प्रॉब्लम से, स्टेनोसिस के कारण आपकी जो नसें होती है जो कमर से पैरों तक जाती है वो कहीं ना कहीं दब रही है, इस कारण से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। फोर्थ कंडीशन, अगर आपको माइनर या छोटी मोटी किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हुआ हो, तो इन कंडीशन में भी अगर कमर दर्द परसिस्टेंट बना रह रहा है और ये कम नहीं हो रहा है, तो मे बी ये नॉर्मल मिनिमम फ्रैक्चर का केस भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो आपके एक्सरे करके कंफर्म कर देंगे कि फ्रैक्चर है या नहीं है, या ये कोई सीवियर कंडीशन में उत्पन्न ना हो जाए। फिफ्थ कंडीशन, अगर ये कमर दर्द किसी भी टाइप के डेली सर्टेन किस पोजीशन या फिर कैसे बैठते हैं, उठते हैं, इन सब कंडीशनों के कारण कभी कभी ये वर्स्ट हो जाता है, जैसे कि रात को सोते वक्त तेज हो जाना कमर दर्द, सो के उठते वक्त बेड से दर्द बढ़ता है, या बैठने के किसी एक पोजीशन से कमर दर्द हो रहा है, तो ये कुछ पोस्चरल पेन भी हो सकता है और प्लस कमर दर्द के सीवियर कंडीशन को भी डिफाइन कर सकता है। इस कंडीशन के लिए भी आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जितनी जल्दी से जल्द हो सके कंसल्ट करें। सिक्स्थ कंडीशन, अगर आपको कमर दर्द के दौरान यूरिन या मोशन, मल मूत्र में दिक्कत आ रहा हो या फिर कठिनाइयाँ आ रही हो, तो ये कॉडा इक्वाइना के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में पैरालाइज भी हो सकता है आपका लोअर बॉडी पार्ट। तो उससे बचने के लिए और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं। कॉडा इक्वाइना बेसिकली L1 L2 नर्व के पास से ये गुच्छा नसों का निकलता है, वहाँ पे किसी भी टाइप से आपका डिस्क जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके नसों को दबा रहा होता है, जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो आपके डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइजेस या फिर जो भी आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो करके आपके इस कंडीशन से आपको रिलीफ दिला सकते हैं। सेवन्थ कंडीशन, अगर आपको कमर दर्द परसिस्टेंट बहुत लॉन्ग टर्म से है, प्लस साथ में अगर आपका वेट लॉस भी हो रहा है, तो ये मे भी हो सकता है स्पाइनल टीवी का भी कॉज हो सकते हैं। तो इसके लिए जितनी जल्दी हो सके आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लास्ट कंडीशन 8th, इसमें अगर आपको कमर दर्द है बहुत ही लॉन्ग टाइम से और साथ में फीवर भी बहुत लंबा चल रहा है ड्यूरेशन तक, तो ये मे भी एक सीरियस इशू हो सकता है, इसके लिए भी आप नियरेस्ट अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये कुछ 8 कारण थे जिसमें आपको कमर दर्द के दौरान अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर इन सब कंडीशनों से रिलेटेड या आपकी कोई डाउट हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपना रिपोर्ट हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।